जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों, जून माह तक की सभी प्रकार की न्यू वैकेंसी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके हम आ गए आपके साथ में, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। और सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू मेंबर हैं या न्यू फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के बीच में इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर भेजें। दोस्तों बात करते हैं सभी प्रकार की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स आपको सारी बताएंगे एक एक करके। टॉप 10 न्यूज हैं वैकेंसीज की जो जून माह की, जून 2019 की। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हमारे क्विज पे। एक क्विज है जिसका सही जवाब देना है आपको, और सही जवाब देने पर आप जीत जाएंगे 20,000 तक का स्टडी मटेरियल, जो सभी प्रकार की वैकेंसी जो है, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस हैं, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारा आज का सवाल है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं। जी हाँ, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? महेंद्र सिंह धोनी फर्स्ट, रोहित शर्मा सेकंड, हार्दिक पांड्या थर्ड, और फोर्थ है विराट कोहली। इसमें से आपको सही जवाब देना हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है उसमें जाके सही जवाब देना है, और लकी विनर्स को मिलेगा 20,000 का स्टडी मटेरियल्स। तो दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। तो बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं स्टडी मटेरियल जो आपको दिया जाना है उसके बारे में। अगर आप सही जवाब देते हैं, आपको स्टडी मटेरियल जरूर मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैकेंसीज की। पहले नंबर जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये फर्स्ट वैकेंसी जो है साउथ इंडियन बैंक SIB की है, जिसमें 385 क्लर्क पदों की रोजगार समाचार प्रकाशित किया गया है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले रोजगार संबंधी सभी आवश्यक जानकारी पढ़ लें और बाद में ही आवेदन करें। जानकारी हमारे इस पोर्टल पर आपको सब मिल जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर, अंत तक बने रहिएगा। टॉप 10 न्यूज जो है जून माह की, जून 2019 की जो भर्ती है, जून 2019 की जो भी भर्ती है जून माह तक की, वो आपको दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, और ये है आप देख सकते हैं S385 क्लर्क रिक्रूटमेंट इन साउथ इंडियन बैंक की। शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएशन। कृपया सटीक जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पदों की संख्या 385 है दोस्तों, और डेट ऑफ SIB जॉब नौकरी प्रकाशित होने की तिथि 18 जून 2019, कल ये प्रकाशित हुआ है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 जून 2019 है, और SIB क्लर्क परीक्षा की जो तिथि है वो है वो 26 जुलाई को। ये देख सकते हैं दोस्तों, सारी डिटेल्स है इसमें। अब देखते हैं आयु सीमा, उम्मीदवारों के अधिकतम आयु 26 ईयर्स के अंदर होनी चाहिए, और आयु सीमा की जो छूट है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दें। सिलेक्शन जो है इस सरकारी जॉब में ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शित के अनुसार कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, और चयन प्रक्रिया की इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों? सैलरी के लिए आप देख सकते हैं 11,765 से 31,540 जो है वो इसका सैलरी रहेगा। अब आवेदन कैसे करना है, इच्छुक अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दी गई है। और इसकी क्या फीस रहेगी दोस्तों वो बात कर लेते हैं। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये रहेगा, और SC ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये इसकी फॉर्म फीस रहेगी। और इसका जो ये है लिंक जो आपको नीचे दिया गया है। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रही है। अब है भर्ती नंबर दो, सेकेंड नंबर जो है 129 ड्राइवर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट इन MTD डिपार्टमेंट में 129 ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है। इसकी शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं, इंस्पेक्टर किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल या मैकेनिक इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए, और SI सहायक उप निरीक्षक के लिए भी किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री होना जरूरी है, और LDC के लिए स्नातक होना जरूरी, ग्रेजुएशन। कानूनी अधिकारी के लिए किसी विश्वविद्यालय से LLB होना जरूरी है। ड्राइवर चेकर चपरासी और चौकीदार के लिए मैट्रिक और ड्राइंग लाइसेंस होना जरूरी है। पदों की संख्या देख लीजिए दोस्तों, इसमें टोटल पदों की संख्या 129, इंस्पेक्टर 7, सब इंस्पेक्टर 4, सहायक उप निरीक्षक ASI 19, LDC 21, कानूनी अधिकारी 1, चालक 15, चेकर 46, चपरासी 10 और चौकीदार 6 पद है। तो बिना कोई समय गमाए दोस्तों इस भर्ती को जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। ये इसमें फॉर्म भरने की जो डेट है वो देख सकते हैं आप, ये 17/6/2019 से शुरू हुआ और 28/6 सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ दोस्तों। सारी वैकेंसी जो है वो एक दो दिन में शुरू होने वाली है या हो गई है,
ये है 28 तारीख को, इसकी आयु सीमा है वो 18 से 38 साल की है, और सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू बेसिस है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस जो है ये नौकरी है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। और सैलरी कितनी मिली वो देख सकते हैं, 9,300 से लगा के 34,800 तक इसकी सैलरी है दोस्तों। और आवेदन जो है वो ऑनलाइन होगा, और इसकी फ़ीस जो है 400 रुपये OBC जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 200 रुपये SC ST कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगली भर्ती है थर्ड नंबर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 432 अप्रेंटिसशिप पद के लिए भर्ती है। तो दोस्तों देख सकते इसकी सर्वेक्षण योग्यता 10वीं प्लस ITI है, और पदों की संख्या 432 हैं, और इसकी जो आवेदन तिथि है वो 16/6 से शुरू है और 15/7 इसकी अंतिम तिथि है। आयु सीमा 15 से 24 साल का होना चाहिए। सिलेक्शन जो है वो मेरिट के अनुसार होगा, और आवेदन 15 जुलाई 2019 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। फीस इसकी 100 रुपये है और SC ST के लिए नील है। चौथे नंबर है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन TNPSC की जो भर्ती है वो है, बड़ी भर्ती है 6,491, जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट और अन्य की भर्ती है, मिक्स में है 6,419, बड़ी भर्ती है 6,491 पद सॉरी। इसकी शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। पदों का पूरा विवरण देख लेते हैं दोस्तों, पदों का पूरा 6,491 और उसमें ग्राम प्रशासनिक अधिकारी 397, जूनियर सहायक 2,688, जूनियर असिस्टेंट 104, बिल कलेक्टर 34, फील्ड सर्वेयर 509, ड्राफ्ट्समैन 74, टाइपिस्ट 1901 और स्टेनोटाइपिस्ट की 784 पदों के लिए। तो कोई मौका चूके नहीं दोस्तों, जल्दी से आवेदन करें। 15/6/2019 से आवेदन शुरू हुए हैं और 14 जुलाई 2019 तक इसके आवेदन चलेंगे। इसकी आयु सीमा देख लीजिए 21 से 30 वर्ष के अंदर फॉर्म जो इसकी एज होनी चाहिए, और सिलेक्शन जो है वो टाइपिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू इत्यादि प्रोसेसिंग के जरिए इसका आवेदन करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। वेतनमान देख लीजिए 19,500 से 65,500 तक, आवेदन ऑनलाइन होगा और इसकी फीस 150 रुपये है, और अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप सर्व कर सकते हैं। 5 नंबर है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, 419 जो पोस्ट हैं वो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन पदों के लिए रोजगार समाचार में प्रदर्शित हुई है। 419 जो शैक्षणिक योग्यता MA MSc है, और पदों की संख्या जो है वो 419 है दोस्तों, देख सकते हैं। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन पद का नाम है, नौकरी प्रकाशित 15/6 से आवेदन शुरू है, 4/7/4 जुलाई 2019 तक इसकी कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 42 साल है, और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप सर्व कर सकते हैं, और लिखित परीक्षा से इसका सिलेक्शन होगा। सैलरी 18,460 रुपये रहेगी, आवेदन जो ऑनलाइन होगा, और फीस इसकी 500 रुपये OBC जनरल के लिए और 250 रुपये SC ST कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। हरियाणा इसी में 1207 सहायक ब्लॉक संसाधन समन्वयक पद जो है उसके लिए भी है, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में, ये देख सकते हैं आप 1207 इसमें, और इसकी भी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। BEd, MPhil, UGC, NET आदि और हिंदी संस्कृत में इसका जो है 1207 पदों का विवरण है। नौकरी जो 15/6/2019 से शुरू है, 4/7/2019 लास्ट डेट है, एज 18 से 42 वर्ष है, और सिलेक्शन जो है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और इसका आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा, और फीस है जो 500 रुपये और 250 रुपये SC ST कैंडिडेट्स के लिए होगा। अगली भर्ती है असम पुलिस की, 2000 पद हैं, स्टेनो LDC टाइपिस्ट और अन्य पद मिला के 2000 पोस्ट हैं, और इसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन है। पदों का विवरण देख लेते हैं दोस्तों, ये पदों का विवरण है इसका, 2000 पद हैं इस पदों के लिए। UDA कम अकाउंट, एसोलिपिक, पावर डिवीजन असिस्टेंट, बेंच सहायक, टाइपिस्ट, दाखिला प्रचालक और प्रतिलिपिकार, कार्यालय चपरासी और चौकीदार। इनका आवेदन भी 14/6/2019 से शुरू हुआ और 30/6/2019 को खत्म हो जाएगा दोस्तों। आयु सीमा 38 वर्ष के अंतर होनी चाहिए। सिलेक्शन जो है वो लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा, और सैलरी जो है, सैलरी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, सैलरी 9,000 से 35,000 के बीच में। आवेदन जो है वो ऑनलाइन करेंगे आप, और इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है इसका आवेदन, तो आप इस पर भर सकते हैं। और 9वें नंबर पे आप देख सकते हैं 62 ऑपरेशन एजेंट पदों का रोजगार समाचार जो है वो जारी हुआ है, इसमें देख सकते हैं। एयर इंडिया लिमिटेड मुंबई जो है उसकी 62 ऑपरेशन एजेंट के पदों के लिए रोजगार हुआ है। तो ग्रेजुएशन चाहिएगा, ग्रेजुएशन के बाद पदों का विवरण देख सकते हैं। ऑपरेशन एजेंट जो है इसका नाम है, और 13/6 से आवेदन शुरू, 24/6 इसकी अंतिम तिथि। आयु सीमा जो है 35
ईयर से बिलो होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू बेसिस है, ओनली इंटरव्यू होगा, नो एग्जामिनेशन। और सैलरी 25,200 है और आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, और आवेदन की फ़ीस जो है वो 5,000 है और SC ST के लिए नील है। और लास्ट जो 10th नंबर की जो है वो है BRO की जो भर्ती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली की। तो इसमें 778 इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ड्राइवर और अन्य पदों के लिए जो ITI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा ऑफर है। और इसमें क्वालिफिकेशन देखते हैं, 8वीं 10वीं पास और ITI साथ में रिलेटेड ट्रेड जो है, जिस ट्रेड में ITI है उससे रिलेटेड जो है पदों का देखो 778 है, उसमें से इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, ड्राइवर और मल्टी स्किल्ड वर्कर ये जो पोस्ट हैं इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और नौकरी प्रकाश होने की तिथि है वो 31/5/2019 को जारी हुआ है और इसके 45 दिनों के भीतर भीतर इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आप 15 जुलाई समथिंग इसका जो लास्ट डेट रहेगा 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट देखिए 18 से 27 साल के लिए है और सिलेक्शन जो है फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल से होगा। चलिए 18,000 से लेकर 44,400 तक इसकी जो सैलरी रहेगी। और योग्य उम्मीदवार जो है वो इसका ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन आवेदन जो है प्रारूप में भरकर आपको इसके एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा। इसका आवेदन फीस जो है वो 50 रुपये है और SC ST के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ऑफलाइन आवेदन है, ध्यान रहे दोस्तों। इसकी ऑफिशियल साइट से जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उससे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें फॉर्म डाउनलोड करके उस फॉर्म को हैंड से भरने के बाद में ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें और सवाल का जवाब देकर स्टडी मटेरियल जीतने की कोशिश करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वैकेंसी अड्डा पर आपका कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच।